सिग्नेचर ग्लोबल 81। आज मैं आपको दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन स्टेज और कौन से यूनिट पे ओसी अप्लाई हुई है और कहाँ पे आपका भी हैंडओवर आना है और कितना टाइम लगेगा टोटल सोसाइटी को हैंडओवर देने में। आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मैं अपडेटेड वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे सामने अभी कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, मुझे लग रहा है इसमें एक साल कम से कम लगना है। ये सामने आपका कमर्शियल है और मैं भी आपको सोसाइटी के अंदर भी लेके चलूंगा जहाँ से आपको ये दिखेगा रेडी टू मूव फ्लोर्स कौन सा है और सेकेंड और थर्ड फेज इनका कौन सा है। ये इनका सोसाइटी शॉप है, ये ओपन फॉर ऑल रहेगा और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। ये सामने आपको फ्लोर्स दिख रहे हैं, इस पर ओसी अप्लाई कर दिया गया था, इस पर 10-15 दिनों में रजिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सामने की ओर। ये हमारा सेकेंड फेज है, इसमें भी मुझे लगता है 6-8 महीने कम से कम लगेंगे और ओवरऑल सोसाइटी को हैंड ओवर होने में 2025 एंड तक टाइम लग जाएगा। ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे मैं आपको और भी नए नए अपडेट्स देता रहूं। और अगर आपको यूनिट यहां से सेल करनी है या फिर इसमें सेकेंडरी मार्केट से परचेज करनी है, मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूं, आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए। और अगर आपको सेल आउट करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना यूनिट नंबर टाइप कर दीजिए और अगर आपको परचेज करनी है फिर भी आप मैसेज करिए, कॉल करिए। नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट का वीडियो बनाना है आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो में वही अपलोड करूंगा। थैंक